अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बिल्कुल मार्केट स्टाइल परफेक्ट घेवर की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे आप घर में बहुत आसानी से बिना मोल्ड के तैयार कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी टेस्टी बनके तैयार होता है। तो पूरी रेसिपी कंप्लीट वॉच करें और ट्राई भी ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 कप और 1/4 कप मैदा ले लिया है। मैदे को यहाँ पर दबाया नहीं है, जस्ट फिल कर लिया है। 1 टेबल स्पून बेसन ले लेंगे। थोड़ा सा हमें लेमन जूस भी चाहिए तो नींबू ले लिया है। अब यहाँ पे हम लेंगे 5 टेबल स्पून घी ले लेते हैं, ये देसी घी है। और इसमें हम डालेंगे 4 से 5 आइस क्यूब। आइस क्यूब डालने के बाद इसे हम हाथ के हथेलियों से 4 से 5 मिनट तक मिक्स करेंगे तो एकदम क्रीम की तरह हो जाएगा, लाइट वेट भी हो जाएगा और इसमें घी का कोई भी दाना नहीं बचा है। देखिए कैसा स्मूथ हो गया है। तो इसी तरह हमें इसे टेक्सचर चाहिए। आइस क्यूब जो है इसको हम बाहर निकाल लेंगे और बैच बैच में करके मैदे को ऐड करेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। मैदे को थोड़ा थोड़ा हमें ऐड करना है तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अब जो बाकी बचा मैदा है डाल देंगे। मिक्स करने के बाद जो हमने बेसन 1 टेबल स्पून लिया था वो डाल देते हैं और इसमें जो फ्रीज का ठंडा पानी होता है अभी सिर्फ 1 कप डालेंगे और इसमें जितनी भी गुठलियाँ हैं इनको एकदम ऐसे स्मूथ कर लेंगे। तो 1 कप पानी डाल के पहले से स्मूथ कर लेंगे, उसके बाद इसे हम थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी डालते हुए इसका घोल पतला तैयार करेंगे। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टिप्स ये है कि आपको एकदम चिल्ड वाटर नहीं लेना है, सिर्फ फ्रीज का ठंडा पानी इस्तेमाल करना है और इसे थोड़ा थोड़ा ऐसे मिक्स करते रहेंगे कि थोड़ी बहुत अगर गुठली हो तो वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे लास्ट में मैंने और पानी डाल दिया है और ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी हमें इतनी रखनी है। 1 टीस्पून लेमन जूस डाल देंगे, इसे मिक्स कर लेंगे और इसे हम स्ट्रेन कर लेते हैं। जो थोड़ी बहुत गुठली होगी वो सब निकाल देंगे और नीचे हमें एकदम स्मूथ बैटर मिल गया है। और ये देख लें आप इसकी फिर से कंसिस्टेंसी एक बार। अब इसे हम उठा के 15 मिनट के लिए फ्रीज में रख देते हैं। हम अपने घेवर के लिए इंस्टेंट रबड़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पे 1 कप मलाई के साथ फुल फैट मिल्क ले लिया है, 1/2 कप मिल्क पाउडर ले लेंगे, इसको घोल लिया है और इसी मिल्क में ऐड कर देंगे। फ्लेम को हाई रखेंगे और इसे कंटिन्यूस हम चलाते रहेंगे। 5 से 6 मिनट में इसमें अच्छी थिकनेस आ गई है। फ्लेम को मीडियम कर देंगे और यहाँ पे मैंने थोड़ा केसर घोल लिया था वो डाल देते हैं। 2 टीस्पून शुगर डाल देंगे, यहाँ पे शक्कर ज़्यादा नहीं डालना है, हल्का मीठा रखना है। और थोड़ी सी थिकनेस इसमें और करेंगे। यहाँ पे देखिए कितना स्मूथ और इंस्टेंट हमारी रबड़ी बनके तैयार हो गई है। इसमें थोड़ा सा इलायची डाल दिया है और बहुत हल्का सा ड्राई फ्रूट डालेंगे। इसे मिक्स करके साइड में रख देते हैं। अब हम घेवर के लिए चाशनी बना लेते हैं। 1 कप शुगर ले लिया है, 1/2 कप वाटर डाल देंगे इसमें और इसे हम हाई फ्लेम पे पहले बॉयल कर लेते हैं। हमें 1 तार की चाशनी चाहिए। इसमें 1 इलायची खोल के डाल दिया है और कुछ स्टर्न केसर के डाल दिए हैं। 5 मिनट तक पकने देते हैं। इसमें हमें 1 तार की चाशनी बना लेनी है। अब इसमें हम डाल देते हैं 3 से 4 ड्रॉप लेमन जूस और इसे मिक्स करके इसे भी हम साइड में रख देते हैं। सिंपल जो घर में कढ़ाई होती है मोटे तले की वो ले लिया है, उसमें देसी घी डाल देंगे। आप इसे ऑयल में भी बना सकते हैं लेकिन अच्छा टेस्ट घी में ही आता है। ये बैटर मैंने फ्रीज से निकाल लिया है और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी को एकदम अच्छा हाई टेम्परेचर पे गरम कर लेंगे और फ्लेम को भी कंटिन्यूस हमें हाई रखना है। और थोड़ा थोड़ा बैटर लेंगे और सेंटर में डालते जाएंगे। एक बैटर का झाग थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाएगा तभी दूसरा ऐड करेंगे और इसी तरह करके हम थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे। 2 से 3 बार डालने के बाद किसी भी चीज़ से तले में थोड़ा सा नीचे से लगाते हुए बीच में जगह बना देंगे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बैटर मैंने और डाल दिया है और फ्लेम को एकदम कंटिन्यूस हाई रखेंगे और बहुत लाइट हैंड से हल्का सा इसको चारों तरफ घुमा देंगे ताकि हर तरफ अच्छा सा कलर आ जाए और सिक जाए। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होता है तो बहुत हल्के हाथ से हमें हैंडल करना है और ऐसे थोड़ा साइड से उठा लेना है, एक्स्ट्रा घी निकल जाए, और उठा के किसी भी स्ट्रेनर पे रख देना है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप इसकी जाली और इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल मार्केट के जैसा तैयार हुआ है और ठंडा होने के बाद बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी हो जाता है। तो यहाँ पे इसको हम आपके पास से दिखा देते हैं कितनी ज़बरदस्त इसमें जाली बन के तैयार हुई है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है।
और इसी तरीके से हम बाकी अपना घेवर कढ़ाई में तैयार कर लेते हैं। पहले साइडों को क्लीन कर लेंगे, फ्लेम को हाई रखेंगे और सेंटर में ही बैटर थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। तो ये हमारा सेकंड भी तैयार हो गया। अगर साइड में थोड़ा सा चिपक जाए तो आप नाइफ से पहले हल्का सा छुड़ा लेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। और ये भगोना जो है घर में सभी के पास होता है, थोड़ा मोटा तले का लेंगे। तो इसमें भी आपको बनाना बता देते हैं, तो आप कढ़ाई या इस भगोने में बहुत आसानी से बिना मोल्ड के भी बना सकते हैं। घी को एकदम हाई टेम्परेचर पे गरम करेंगे, फ्लेम को हाई रखेंगे और ऐसे सेंटर में थोड़ा थोड़ा बैटर डालते जाएंगे और किसी भी चीज़ से बिल्कुल तले से लगाते हुए एक बार चला लेंगे। और यहाँ पे साइड में अगर थोड़ा सा चिपक भी जाएगा तो इसे पहले नाइफ साइडों को हल्का सा यहाँ भी छुड़ा लेंगे। और यहाँ पे देखिए अच्छा सा कलर इसमें आ गया है, तो इसे भी निकाल लेते हैं। तो आप चाहे कढ़ाई या भगोने में, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है, आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे आपको घेवर बिल्कुल बाज़ार का लग रहा होगा और इसका रिज़ल्ट भी बहुत ज़बरदस्त आया है। और ये ठंडा होने के बाद बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है, तो इसे आप एयर टाइट कंटेनर में करके एक हफ्ते तक ऐसे ही क्रिस्पी रख सकते हैं। और यहाँ पे एक घेवर को मैं असेंबल कर लेते हैं। नीको मैंने बस 30 सेकेंड के लिए गैस पे रखा था, इस पर आप हाथ डाल सकते हैं, बहुत हल्का गर्म है। तो मैंने चारों तरफ अच्छे से चाशनी डाल दी है, थोड़ा सा केसर मिल्क जो मैंने करके रखा था वो डाल दिया है, जो हमने रबड़ी तैयार की थी उसमें अच्छे से लगा देंगे, ड्राई फ्रूट डाल देंगे, थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर सिल्वर फॉयल डाल दिया है। इसमें चारों तरफ चाशनी डालें तो इसे स्ट्रेनर पे रख लें ताकि जो भी एक्स्ट्रा चाशनी हो वो निकल जाए। और ये बहुत ही सेटल मीठा बनके तैयार हुआ है जिसे आप अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। ये देखें कितना ये क्रिस्पी बनके तैयार होता है। वैसे तो मार्केट में घेवर सिर्फ रेनी सीजन में मिलता है, लेकिन इस परफेक्ट रेसिपी के साथ आप कभी भी घर में जब भी आपका खाने का मन हो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और मज़ेदार बनके तैयार होता है। कंप्लीट रेसिपी फॉलो करें, कंप्लीट इंग्रेडिएंट लिस्ट, इंपॉर्टेंट टिप्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस मज़ेदार रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।